तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीटीयू में बीटेक के टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीटीयू का एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, उसमें आपने बीटेक के लिए अप्लाई किया हुआ था और आपके यूपीटीयू के रिजल्ट में 300 नंबर या 300 नंबर से ज्यादा नंबर आने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके जो टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीटेक के, उनमें से आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, कितने कितने नंबर पे मिल सकते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने एंट्रेंस एग्जाम में 300 नंबर या 300 नंबर से ज्यादा लाए हुए हैं। जो अपने एंट्रेंस एग्जाम में 300 नंबर से कम लाए हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो नहीं है, क्योंकि उनको पक्का ये तीनों कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप 300 नंबर से ज्यादा लाए हुए हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में, तो आज का यह वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि जो आपके टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीटेक के, उनमें से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आपका नंबर अच्छा है उस हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें पहले कॉलेज के, तो जो पहला कॉलेज है वो है IIT लखनऊ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग IIT लखनऊ के बारे में जानते होंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर आप जनरल से हैं तो उसमें आपको कम से कम 400 नंबर लाना ही है। अगर आप जनरल से हैं, 400 नंबर या 400 नंबर से ऊपर ला रहे हैं, तो पक्का आपको IIT लखनऊ मिल ही जाएगा। बट अगर आप OBC, ST, SC से हैं, उसमें आप अगर 300 या 350 नंबर से ज़्यादा ला रहे हैं, तो उसमें भी आपको चांसेस है कि यह IIT लखनऊ आपको मिल जाए। बट अगर हम UPTU में BTEC के दूसरे सबसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करें, जो कि है KNIT सुल्तानपुर, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, तो इसमें अगर आप जनरल से हैं 350 नंबर से ज़्यादा ला रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको यह कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप SC, ST, OBC से हैं, 300 से ऊपर ला रहे हैं, फिर भी चांसेस हैं कि आपको यह KNIT सुल्तानपुर मिल जाए। अगर हम तीसरे, मतलब UPTU में BTEC के लिए टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस में तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छे कॉलेज के बारे में बात करें, जो कि है BIET झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी। तो इसमें क्या है कि अगर आप जनरल से हैं, तो इसमें आपको लाना है 350 नंबर से ऊपर। और अगर आप SC, ST, OBC से हैं, इसमें अगर आप 300 नंबर से ऊपर ला रहे हैं, तो शायद आपको यह कॉलेज मिल जाए। तो फ्रेंड्स, पूरा टोटल आप पे डिपेंड करता है, आपके रैंक पे। अभी जैसा कि आपका UPTU का रिजल्ट तो आया नहीं है, जब आपका UPTU का रिजल्ट आ जाएगा, जिस हिसाब से उसमें आपके रैंक बनेंगे, उसी हिसाब से आपको जो UPTU के टॉप 3 BTEC के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले आपको मैंने बताया, जो आपका IIT लखनऊ है, इसमें तो बहुत ही कम चांसेस होता है एडमिशन के लिए। बट जो आपके KNIT सुल्तानपुर और BIET झांसी है, इसमें आपके चांसेस हैं कि इसमें आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आप 300 नंबर से ऊपर हैं या फिर 350 नंबर से ऊपर हैं, जनरल OBC SC ST से हैं, तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। क्योंकि इनके जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जाते हैं, वो बहुत ही कम जाते हैं। इसमें स्टूडेंट को चांस होते हैं कि वो इसमें एडमिशन अपना ले लें। तो हमारा यही कहना है कि सबसे पहले आप वेट कीजिए अपने रिजल्ट का। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका रैंक 10,000 से नीचे बनता है, तो उम्मीद है कि आपको इन तीनों कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में जाना कि आपके UPTU के जो टॉप 3 कॉलेज हैं, मतलब पहला आपका IIT लखनऊ है, दूसरा KNIT सुल्तानपुर, तीसरा BIET झांसी। तो ये जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं, ये तीनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं और ये तीनों बीटेक के लिए हैं। अगर आपने UPTU में बीटेक के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है ये तीनों गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपके मार्क UPTU में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज खोज रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आपके लिए यह तीनों ऑप्शन बहुत ही बेस्ट हैं। अगर आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज खोज रहे हैं, तो आपके लिए यह तीनों ऑप्शन बेस्ट है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बट आपके रैंक भी उस हिसाब से अच्छे आने चाहिए। और आपका कैटेगरी अगर SC ST है, तो उस हिसाब से आपके रैंक बहुत अच्छे बनते हैं और आपका चांस है कि आप इन तीनों कॉलेजेस में एडमिशन ले लें। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि अगर आप एक अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, तो इन तीनों में से चाहे किसी एक में भी आप एडमिशन ले लीजिएगा। इसके इन तीनों के स्कोप बहुत अच्छे हैं, इसमें आपको पक्का, इनसे अगर आप बीटेक कर रहे हैं, तो पक्का आगे चल के कोई ना कोई आपको एक अच्छा जॉब मिल ही जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि करने के बाद जॉब नहीं मिलेगा, जैसा कि अदर्स
प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं कि उसमें जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है, इसमें आपको पक्का डेफिनेटली कोई एक जॉब तो मिल ही जाएगा अगर आपने अच्छे से 4 साल बीटेक कर लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपके यूपीटीयू में जो टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीटेक के लिए वो कौन कौन से हैं, इसमें कितना कितना आप नंबर लाएंगे कि आपको इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।